हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको चेस्ट एक्सरे को कैसे रीडिंग करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको चेस्ट एक्सरे सर्च एल्गोरिदम को फॉलो करना है। उसमें ए बी सी डी और ई को याद रखना है बस। उसमें ए का मतलब होता है एयरवे, तो आपको पहले एयरवे देखना है कि ट्रेकिया का डेविएशन हुआ है या नहीं, ट्रेकिया सीधी है या किसी तरफ झुकी हुई है। अगर ट्रेकिया किसी भी तरफ झुकी हुई है, यानी दाई या फिर बाई तरफ झुकी हुई है, तो उसे ट्रेकियल डेविएशन कहते हैं। ट्रेकियल डेविएशन हमें न्यूमोथोरेक्स, थायरोइड ग्लैंड की सूजन, मीडियास्टाइनल लिम्फोमा, प्यूरल इन्फ्यूज़न, एटेलेक्टेसिस, प्लूरल फाइब्रोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में दिखाई देती है। दूसरा है बी, यानी ब्रीदिंग, जिसमें हमें लंग्स और प्लूरा को देखना होता है, जिसमें प्लूरल इन्फ्यूज़न यानी कि लंग्स में प्रवाहिका बढ़ जाना। तीसरा है सी, जिसमें हमें कार्डियो मीडियास्टाइनल को देखना होता है, जिसमें हमें हार्ट की साइज़ को देखना होता है। अगर हार्ट की साइज़ बड़ी हुई है तो इसे कार्डियोमेगाली कहते हैं और वो हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। चौथा है डी, जिसमें डिसेबिलिटी ऑफ द बोन यानी कि रिब्स का फ्रैक्चर, क्लेविकल का फ्रैक्चर, वो सभी देखना होता है। आगे का अल्गोरिदम है ई, जिसमें एवरीथिंग यानी सब कुछ देखना होता है, जिसमें सीपी एंगल, डायाफ्राम ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड, लोब्स ऑफ लंग, एपेक्स ऑफ हार्ट, एओर्टिक नकल्स, करीना, गैस्ट्रिक बबल्स, लंग्स को भी देखना होता है। उसमें सीपी एंगल, जिसे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं, नॉर्मली ये नुकीला होता है। अगर ये समतल या फिर फ्लैट दिखाई देता है तो ये प्लूरल इन्फ्यूज़न, प्लूरल थिकनिंग और हाइड्रोथोरेक्स वैसी कंडीशनों को इंडिकेट करता है। अगर फ्रेनिक नर्व की पल्सी यानी पैरालिसिस ऑफ फ्रेनिक नर्व हुआ है तो डायाफ्राम में एबनॉर्मालिटी दिखती है, जिसके कारण डायाफ्राम, जिस तरफ की फ्रेनिक नर्व की पैरालिसिस हुआ है उस तरफ का डायाफ्राम ऊंचा दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। लोब्स ऑफ लंग में हमें लोब्स में किसी भी प्रकार की गांठ है या फिर नहीं ये देखना होता है। अगर गांठ दिखती है तो वो वाइटिश राउंड यानी कि गोलाकार दिखती है। चेस्ट एक्सरे में हमें गैस्ट्रिक बबल्स भी दिखते हैं जो स्टमक के पार्ट में दिखते हैं, और वो सभी में नॉर्मली होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिखे तो उसे आपको नोटिस करना है। किसी स्ट्रेस के कारण या फिर स्टार्च युक्त ज़्यादा खोराक लेने से भी वो गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसके कारण भी गैस्ट्रिक बबल ज़्यादा दिख सकते हैं। ब्रोंकियेक्टेसिस जैसे इन्फेक्शन की कंडीशन में हमें चेस्ट एक्सरे में लंग्स के पार्ट में जाली युक्त दिखाई देगा। आप पेसमेकर को भी देख सकते हैं। टीबी के कंडीशन में आपको चेस्ट एक्सरे कुछ इस तरह दिखाई देगा। थैंक यू।